पांच रीजन टू नॉट बाय दिस बाइक, ठीक है, जो इस बाइक को लेना चाहते हैं। क्योंकि भाई देखो, अगर आप कोई भी बाइक लेते हो या कुछ भी लेते हो, तो सबसे पहले उसकी कमियाँ के साथ उसकी अच्छाइयाँ भी, अच्छाइयाँ तो देखो मैक्सिमम लोगों ने वीडियो में बता रखा है यूट्यूब में, लेकिन कमी इसके बारे में नहीं बता रखा है। तो मैं कमी बताना चाह रहा हूँ कि ये कमी है। सो हेलो टॉक्सिक पीपल, इससे बोई विनय, वेलकम टू चैनल विवे। तो भाई आज मैं इस बाइक के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, पाँच रीजन टू नॉट बाय दिस बाइक, ठीक है। लेकिन देखो यार, देखो कोई सी भी चीज़ हो उसके साथ अगर उसको लेते हैं, मतलब कोई सी भी चीज़ हो, अच्छाई के साथ उसकी बुराइयाँ भी होती है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ आप अभी तक पॉसिबल नहीं है कि अच्छाई होगी, बुराइयाँ होगी नहीं। तो ऐसी इस बाइक में भी कुछ बुराइयाँ हैं, तो मैंने बड़ी मुश्किल से पांच बुराइयाँ निकाली है इस बाइक की। और अच्छाइयाँ निकालते निकालते तो भाई अगर मैं बताने लग जाऊँ तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब दो तीन तीन दिन निकल जाएंगे। तो पाँच ऐसी बात है, मतलब ऐसी, मतलब मुझे लगी कि इस बाइक के लिए बहुत, मतलब बेकार है, ठीक है, वर्थ नहीं है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ देखो, सबसे पहली चीज़ के डुअल चैनल ABS, ठीक है, फास्ट चार्ज। देख, डुअल चैनल ABS है नहीं भाई, क्योंकि जो फर्स्ट इसका वेरिएंट आया था उसमें लोग बहुत सारे, मतलब पहले भी सेम ही ये था कि डुअल चैनल, मतलब सिंगल चैनल ABS था, पीछे वाली साइड ABS ही था ABS। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि ABS का क्या क्या सीन है। देखो इधर आओ भाई, ABS मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये देखो इधर आओ, इधर से दिखेगा, इधर ये देखो, जो ये ब्लैक पट्टी देख रहे हो ना आप, ये वाली चीज़ देख रहे हो ना आप, ये वाली, ये है ABS, ठीक है। तो इधर है, लेकिन पीछे वाले टायर पे अगर ये नोटिस करोगे आप, पीछे वाले टायर पे देखो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, देखो पीछे वाले टायर पे कुछ भी नहीं है। तो भाई बहुत सारे लोग सोच रहे, क्योंकि टॉप इसका ये टॉप मॉडल है, ठीक है, यामा का MT-15 का, पहले वाला जो इसका वेरियंट था वो बंद कर चुका है, अब आता नहीं है, ठीक है। और टॉप वेरियंट में भी इन्होंने ABS नहीं दिया, ये मुझे बहुत बेकार लगा यार, ठीक है। अब माना ABS ऐसा है नहीं कि स्किड खा जाती है बाइक बहुत अच्छी है, सिंगल चैनल में भी बढ़िया चल रही है, पर ऐसा देना चाहिए था, ठीक है। और सेकंड इसकी जो बात है वो है इसकी भाई सीट, दिखाओ सीट भाई, सीट इतना ज़्यादा, मतलब मुझे लगा था भाई थोड़ा नेकेट, मतलब नेकेट बाइक में ज़्यादा सीट कंफर्ट नहीं मिलता है, लेकिन यार इसमें तो बहुत ज़्यादा भाई, बहुत हार्ड है। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, अगर आप 15-20 किलोमीटर भी इस बाइक में पीछे पिलियन को बिठा के ले जाओगे तो भाई सीट कम्फर्ट बिल्कुल भी नहीं भाई, देख सकते हो। राइडर का जो है सीट वो तो बिल्कुल सही है, राइडर के लिए सही है, बट पीछे का पिलियन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, कम्फर्ट बिल्कुल भी नहीं। और ये बहुत छोटा है, अगर आप सोच रहे हो कि अपना, मतलब अपनी फैमिली वाले, अपने सिस्टर या मम्मा वगैरह किसी को भी कोई बड़ा है तो उसको बिठा के लेना चाहते हो राइड पे, तो पॉसिबल नहीं है ब्रो, देख लो इतना कंफर्ट है ही नहीं भाई, कंफर्ट भी नहीं, और ये बहुत कैसे बिठाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, और एक चीज़ और, ठीक है। अब इसका मैं बताता हूँ देहरादून के हिसाब से कॉस्ट, ठीक है। तो देहरादून के हिसाब से टॉप मॉडल MT-15 वर्जन 2 का जो प्राइस है ये जाता है, मैंने अराउंड इसको लिया है अभी एक मंथ पहले, तो इसका अराउंड मैंने लिया इसको 196 का, ठीक है। तो भाई 196 के हिसाब से भाई, पहले जिसका वेरिएंट था वो 160 या, मतलब अराउंड 15,000 या 20,000 इसका बड़ा है प्राइस, ठीक है। उसके हिसाब से इसमें दे रखी है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अब आप लोग सोच रहे हो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से क्या होगा, अब आप लोग सोच रहे हो कि हम इस पर कॉल कुल अटेंड कर पाएंगे, मतलब बहुत सारे हम, मतलब अपने काम इसमें पॉसिबल कर पाएंगे, जो स्क्रीन दे रखी है यहाँ पर, इधर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भाई, ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। देखो उनको शो कराता हूँ मैं, तो देख सकते हो बड़ी, ये देखो कॉल डिटेल वगैरह, मैसेज वगैरह यहाँ दिख रहे हो, शो करा रहे होगा आपको, आई डोंट नो कैमरा में जज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट देखो इधर ऊपर को, ठीक है। तो इसका देखो, अब आप लोग सोच रहे हो कि हम यहीं से, मतलब बाइक में बैठे बैठे ही, मतलब कॉल गुल अटेंड कर पाएंगे, सब कुछ पॉसिबल कर पाएंगे, लेकिन भाई ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें बस क्या होगा, यहाँ पर जो ये देख रहे हो आप, इधर ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो यहाँ पर, एक बार बस ये फ्लैश मारेगा, जैसे ये है, ये एक बार ब्लिंक होएगा, ठीक है, ये देखो बस इतना ब्लिंग होएगा, देर सीट और कुछ भी नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि हम यहीं से बैठे बैठे कॉल अटेंड कर लेंगे या मैसेज का पूरा वो कर देंगे, तो भाई मुझे लगा देखो अब 15-20 हज़ार बड़ा है प्राइस, तो भाई कुछ तो होना चाहिए था ना। लेकिन और यही सेम रीज़न उसका भी है, मतलब जो अभी MMI है ना, तो उसमें भी सेम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का यही सीन है, कोई मतलब मुझे तो लगता नहीं कि इसका कोई है, मतलब यूज़ का है कुछ ये मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से मुझे नहीं पता आपके यूज़ में आएगा कि नहीं आएगा, बट मेरे हिसाब से तो भाई ये यूज़ में है नहीं, ठीक है। और हम इसकी बात करना चाहेंगे भाई इसके इंडिकेटर के बारे में, भाई क्लोज से देखो इंडिकेटर, भाई ये दे रखे हैं, देखो भाई टॉप, देखो टॉप मॉडल है, टॉप वेरिएंट इसका है, और ये देखो इंडिकेटर क्या दे रखे हैं भाई, ये इंडिकेटर स्प्लेंडर वाले क्या तो भाई ये दे रखे हैं। और देखो अब ऐसा बात नहीं है, अगर आप इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो कंपनी वाले आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो इंडिकेटर आते हैं 3,000 के, ठीक है। इसी में कॉस्ट जुड़ेगा 196 और 3,000, मतलब अराउंड 2 लाख में ये हो रहा है, अब चल जाएगा, ठीक है।
तो 2 लाख में भाई अगर आपको इंडिकेटर, इसलिए कंपनी वालों ने इंडिकेटर नहीं लगा के दिया कि ज़्यादा प्राइस जा रहा था, इसलिए मतलब लगाते नहीं है। 3,000 में आपको ये भी और ये भी, मतलब पीछे के भी दो और आगे के भी दो, चारों पेयर मिल जाएगा 3,000 में। तो ये 4 रीज़न हो गए। तो भाई पाँचवें रीज़न की हम बात करते हैं। पाँचवा रीज़न क्या है? पाँचवा रीज़न है इसका हॉर्न। इधर आप क्लोज दिखाओ तो भाई इसका हॉर्न देख सकते हो आप, क्या दे रखा है भाई ये हॉर्न। नीचे और बाइकों में नीचे होता है बट इसका ऊपर दे रखा है। तो भाई क्या हो जाता है, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, जैसे अगर मुझे हॉर्न देना हो, मैं कभी कभी इंडिकेटर की जगह हॉर्न दे देता हूँ और हॉर्न की जगह इंडिकेटर दे देता हूँ, तो भाई उसका बहुत कंफ्यूज हो जाता है। देख लो आप, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है और ये हॉर्न दे रखा है, जबकि अनदर बाइकों में नीचे होता है ये इंडिकेटर ऐसा होता है। तो ये मुझे लगा है 5 टिप, ठीक है। तो इसके लिए मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक है, लेकिन यार ऑल गुड है भाई। बाइक बहुत ज़्यादा मस्त है, ऐसी बात नहीं है। माइलेज के हिसाब से मुझे अभी तक माइलेज का 42-43 अराउंड दे रही है, ठीक है, माइलेज के लिए भी सही है। और मतलब लुक तो भाई 20 है, तुमको पता है क्या लगती है लुक के हिसाब से। और ज़्यादा इसमें कुछ कमियाँ नहीं है भाई, मैं बस 5 ही कमियाँ ढूंढ पाया इसमें और मुझे नहीं लगता और तो कुछ कमी है इसमें। और तो भाई टू गुड बाइक, बहुत अच्छी है। अगर कोई चाहता है इसको बाय करना तो भाई बहुत अच्छी बात है, बाय कर सकता है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है इसमें, सीट हाइट के बारे में बताता हूँ आपको। सीट हाइट का भी इसमें है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे मुझे कमेंट भी करते हैं कि भाई सीट हाइट बताओ आपकी क्या, मतलब कितने हाइट की हो। तो भाई मेरा मेरे हाइट होगी 5'7" या 5'8" के अराउंड है, ठीक है। तो मेरे जो फुट है, देखो बाइक में मैं बैठता हूँ, मेरे फुट है पूरे तो ढंग से लग नहीं रहे, बट देखो इतने मतलब ठीक लग रहे हैं। थोड़ा थोड़ा टो, ज़्यादा टो तो नहीं है बट थोड़ा है, ठीक है, इतना इतना है। तो लेकिन अगर जो नॉर्मल बंदा होगा, मतलब जिसकी हाइट थोड़ी कम है, जैसे 5'5" होगी या 5'6" है, तो उसके फुट दिखाता हूँ मैं कितने लगते हैं। तो आप देख सकते हो, अगर कोई छोटा बंदा, मतलब छोटा तो नहीं, ज़्यादा हाइट मैटर नहीं करता। देखो इसका कितना टच हो रहा है, देखो इसका, देखो टो जमीन पे टच हो रहा है। और भाई इसका सीट हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो गाइस, अगर कोई नॉर्मल बंदा है, उसकी हाइट थोड़ी कम है, ज़्यादा नहीं। वैसे तो हाइट का, राइडर अगर अच्छा हो तो हाइट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्किल मैटर करती है, डजंट मैटर आपकी हाइट। देखो तो गाइस, ये थी मेरी 5 टिप इस बाइक को लेकर। तो भाई बाइक बहुत अच्छी है और आपको तो क्या ही बताऊँ, और तो बहुत सही है इस बाइक को भी लेके मेरे, मतलब मैंने इसको अभी 1400 कुछ चला दिया इस बाइक को लेके, और बाइक बहुत मस्त है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इसको मॉडिफाई भी कराएंगे, देखेंगे क्या बनता है आगे फ्यूचर में। तो बस यही है इसको लेके। तो अगर वीडियो पसंद आई तो कर देना लाइक और दोस्तों में कर देना शेयर, और उनको भी बता देना जिसको, जो इस बाइक को लेना चाहते हैं। क्योंकि भाई देखो, अगर आप कोई भी बाइक लेते हो या कुछ भी लेते हो, तो सबसे पहले उसकी कमियाँ के साथ उसकी अच्छाइयाँ भी, अच्छाइयाँ तो देखो मैक्सिमम लोगों ने वीडियो में बता रखा है यूट्यूब में, लेकिन कमी इसके बारे में नहीं बता रखा है। तो मैं कमी बताना चाह रहा हूँ कि ये कमी है, तो अपने हिसाब से देख लेना जो आपको अच्छा लगे। तो मैं मिलता हूँ फिर अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड स्टे सेफ, बाय बाय।